हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस किया था और उसके बेस पे हमने एक दो फॉर्मुलेस ड्राइव किए थे, जिसकी मैंने आपको शॉर्टकट और ट्रिक भी बताई थी कि उन फॉर्मुलेस को कैसे याद करना है और उनको अप्लाई भी कहाँ कहाँ करना है। तो चलिए, आज का टॉपिक पिछले टॉपिक पे बेस पे है, जिसमें हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रीड किया था, स्टडी किया था, समझा था और उसके बेस पे उसकी आज एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चों, ये वही मोटर है जो आपके घर में लगी होती है, जिससे आप पंप करते हो वाटर को ग्राउंड से अपने वाटर टैंक तक। और इस इलेक्ट्रिक मोटर को कुछ और नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे कि इसको डीसी मोटर भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीसी मोटर। चलिए, अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, या व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो इन सब का एक ही आंसर है, दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है कि जब भी हम इसे करंट देंगे, जैसे कि स्विच ऑन करेंगे, मोटर चलेगी, तो कैसे चलेगी वो स्टडी करने की बात है। लेकिन चलने के बाद उसका काम क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो उसने क्या किया, पानी को नीचे से ऊपर वाटर टैंक तक पहुंचा दिया या सप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि उसमें इतनी पावर है, क्षमता है कि वो मैकेनिकल वर्क जो कि इंसान कर सकते थे अपने मसल्स को यूज करके, उसको भी इसने बड़ी आसानी से कर दिया। तो अगर नीचे से हमें पानी ऊपर टंकी तक लेके जाना हो तो शायद हमें बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन अगर मोटर लगा देंगे तो उससे यही काम बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए मैकेनिकल वर्क वो होता है जिसमें मसल्स की एनर्जी, आप इससे याद रख सकते हैं कि जिसमें आपकी मस्कुलर एनर्जी खपत हो, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ये वो काम करता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, हम इसे कैसे यूज करेंगे, तो इसको यूज करने के लिए हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आइडिया दे देता हूँ लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग। अगर फोर्स ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो करंट कैसे मिलेगा, ऐसे। या दोबारा समझाऊं तो अगर थम फोर्स बताएगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सेंट्रल फिंगर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये आपस में तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और इनको याद रखने की क्या ट्रिक थी, एफ बी आई। आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन पे। अब मोटर की डायग्राम अगर आप बुक में देखोगे तो तीन चार डायग्राम बनाई होती है, जिसमें की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं एक ही डायग्राम से आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आपने वो तीन चार डायग्राम इसी डायग्राम से कैसे बनानी है। तो डायग्राम बनाने से पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, जिसमें हम इसके मेन पार्ट्स की बात करेंगे कि इसमें मेन पार्ट्स होते क्या है। तो मेन पार्ट्स के लिए देखिए, सबसे पहले आपने दो मैग्नेट्स ले लेने हैं, और ये मैग्नेट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं यहाँ पे बना के बताऊँ आपको, तो अगर ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मतलब है कि दो मैग्नेट ऐसे रखे हुए हैं, एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ को फेस कर रहा है, लेकिन इन दोनों को क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, किसी जगह से फिक्स किया हुआ है ताकि एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करे। और फिक्स करने के बाद आप देखिए, हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं, या जब भी पोल्स ऑपोजिट होते हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर अट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है कि नॉर्थ से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स साउथ की तरफ जाएंगी। तो आप ध्यान दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये देखिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की एग्जाम्पल है, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ पहले कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, क्यों चाहिए थी, क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन चाहिए और रूल कौन सा लगाना है, लेफ्ट हैंड। तो अगर लेफ्ट हैंड लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाली फिंगर बताती है, फर्स्ट फिंगर। तो जब फिंगर को ऐसे रखेंगे तो उसकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहे नीचे, तो फिंगर को कहाँ कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो उस पर्पस के लिए हमने क्या किया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया है। तो चलिए, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी तो मैं ऊपर बना देता हूँ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है, जैसे कि ये जा रही है, बीच में नहीं बना रहा क्योंकि डायग्राम क्लियर दिखनी चाहिए आप लोगों को। अब एक और काम करते हैं कि जैसे मैग्नेट्स रखे तो उसमें मैंने एक कॉइल रख दी, जिसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी डी। बच्चों, ये कॉइल वैसी ही है जैसे आपकी कोई भी बुक या कॉपी होती है, आप ऐसे समझिए, वैसे रखी ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसे रखिए कि जैसे ये कॉइल की शेप ऐसी है, ए बी सी डी,
या ए बी सी डी जैसे मर्जी रख लीजिए, और नीचे से उसे यहाँ से दो पॉइंट्स दिए होते हैं, सोर्स ऑफ टर्मिनल दिए होते हैं वोल्टेज के, पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन चीज को अगर भूल जाए तो डायग्राम को देखिए, यहाँ से कनेक्शन गया और हमें बैटरी से कनेक्शन मिल गया। तो ये कनेक्शन हमें बैटरी से मिला है जिसमें से आई करंट फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में। लेकिन बीच में अगर देखा जाए तो दो चीजें, दो चार चीजें लगाई हैं, B1 R1 B2 R2। तो B का मतलब होता है ब्रश, या ब्रशेस कह सकते हैं यहाँ पे, जो कि B1 और B2 है, और R का मतलब होता है रिंग्स, जो कि R1 और R2 के लिए हमने रिप्रेजेंट किए हैं। अब ब्रश और रिंग का क्या काम होता है बच्चों? ब्रश तो फिक्स होते हैं यहाँ पे, इस टर्मिनल से ब्रश फिक्स होते हैं, और ये कार्बन के बने होते हैं। कार्बन का मतलब है कि इनमें रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होती, इसलिए जब भी रिंग्स आएंगी, मान लीजिए ये ब्रश है, ये एक तरह का ब्रश और ये रिंग्स है, तो जब भी रिंग्स इससे टच होके बाहर जाना चाहेंगी, टच होने के बाद अगर सेपरेट होना चाहेंगी, तो इनमें इतनी ज्यादा फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इजिली इसको कॉन्टेक्ट भी मिलेगा और ब्रेक भी मिलेगा। तो रिंग्स क्या होंगी, ऐसे स्लिप करके जा सकती हैं। अगर रिंग्स स्लिप करके जा सकती हैं तो इन रिंग्स को स्लिप रिंग्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्लिप करती हैं। तो याद रखिएगा कि रिंग्स को स्लिप रिंग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका 1 मार्क या 1/2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद काम की बात करते हैं, अब शुरू होता है हमारा असली काम की ये वर्क कैसे करेगा। तो जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा तो बी ब्रश वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली कनेक्टेड, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज, और नेगेटिव यहाँ से जाएगा बैटरी का टर्मिनल, तो बी टू ब्रश हो जाएगा नेगेटिव। तो होगा क्या, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये रिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी रिंग नेगेटिव, जब रिंग पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, तो करंट क्या होगा, आई करंट, यहाँ से ऊपर को फ्लो करेगा, यहाँ से नीचे को, और यहाँ से तो वैसे का वैसे जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी कंडक्टर को रखा है, अब मान लीजिए आप ये वाला हिस्सा भूल जाइए, ये वाला हिस्सा आप भूल जाइए, मान लीजिए, तो आपको पता है कि ए और बी क्या है, एक कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रखा है देखिए, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा कंडक्टर जिसमें से करंट जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा थंब क्या करेगा कि डायरेक्शन इसको किस तरफ लगाएगा, अंदर की तरफ लगाएगा। और अगर मैं यही कंडक्टर यहाँ पे मान लूं जिसमें से आई करंट वापिस आ रहा था और इसको भूल जाऊं, तो क्या होगा, वही लेफ्ट हैंड से मेरी मैग्नेटिक फील्ड वही है, करंट नीचे को आ रहा है फिंगर के अकॉर्डिंग, तो मेरी फोर्स कहाँ लगेगी, बाहर को लगेगी। इसका मतलब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो ए बी पे फोर्स क्या है, इनवर्ट है, और सी डी पे फोर्स क्या है, आउटवर्ड। तो जब ए बी पे इनवर्ड है, सी डी पे आउटवर्ड है, तो क्या होगा कि ए बी अंदर को जाना चाहता है और सी डी बाहर को आना चाहता है। इसको ऐसे समझिए कि वही क्वाइल है ए बी सी और डी, तो इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगा मेरी तरफ, तो ये ऐसे जाना चाहेगी, और इस पे बाहर की तरफ आपकी तरफ आना चाहेगी, तो जब भी ये फोर्स लगेगी तो ये घूम के ऐसे आ जाएगा, और जैसे ये घूम के आएगा तो देखिए ए बी फेस उधर पहुंच गया, सी डी इधर आ गया। तो अब क्या होगा कि ये जो सी डी फेस है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अब क्या होगा कि जो ए बी और सी डी घूम के आया था, अब सी डी फेस यहाँ पे आ गया और ए बी फेस उस साइड चला गया, लेकिन ये सारे भी रिवर्स हो गए, ये बी टू आर टू आर वन बी वन क्या हो गए, बैटरी तो वैसी की वैसी है, ब्रश पे फिक्स है, लेकिन जो रिंग्स है वो सेपरेट हो गए, आर वन की जगह आर टू आ गई, ब्रश तो चलो बी वन बी टू रहने देते हैं क्योंकि ब्रश तो फिक्स है, इसलिए ब्रशेस को नहीं छेड़ेंगे, ब्रशेस वैसे के वैसे, लेकिन रिंग्स क्या होगी, ऑपोजिट आ गई, जो आर टू थी वो बी वन के पास और जो आर वन थी वो बी टू के पास चली गई। अब आर टू क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बन गई क्योंकि बी वन के साथ कनेक्शन में आ गई। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो सी डी में करंट ऊपर की तरफ जाएगा। अब जैसे देखिए ए बी में करंट ऐसे गया, सी डी में ऐसे आया, अब क्या होगा, सी डी में करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगी, इनवर्स, तो इनवर्स लगेगी, फिर ऐसे घूम जाएगा, फिर वही फेस आएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा, तो करते करते अगर आप देखेंगे तो ये वाला सिस्टम ऐसे घूमने लग जाएगा। और जैसे घूमेगा तो जहाँ आप अभी बैठे अपने रूम में, आप देख सकते हैं कि आपके सीलिंग पे एक फैन लगा है और वो फैन भी ऐसे ऐसे घूमता है। अगर ग्राइंडर की बात करें, मिल्क शेक
बनाना शेक, मैंगो शेक, बादाम शेक, कुछ भी बनता है किसी भी जगह पे, खाने वाली जगह पे, तो वो भी मशीन ऐसे ऐसे घूमती है। सिमिलरली वॉशिंग मशीन है, वो भी ऐसे ऐसे करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसमें भी कौन सा रूल लगता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर बात करें की जाए कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर के लिए नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए है। जो भी चीज़ें करंट देने के बाद गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं, और जो चीज़ें गोल गोल घूमती हैं उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, इन द यूजेज ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर और द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसे इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं तो करंट देते हैं तो उनके पहिए घूमते हैं, व्हील्स घूमते हैं, ऐसी क्रेन्स काम करती हैं, फिर ड्रिल मशीन भी घूमती है, फैंस घूमते हैं, हेयर ड्रायर के अंदर वाला जो होता है वो भी घूमता है, ब्लोअर्स भी ऐसे काम करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर भी ऐसे काम करते हैं, ब्लेंडर्स भी, और एंड में वॉशिंग मशीन भी। इस तरह के ढेरों एग्जांपल आपको मिल जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।